बागेश्वर में महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार सशक्तिकरण तथा संरक्षण को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 15 दिवसीय जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है, जो कि 1 जून से शुरू होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज जयेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जनपद भर के विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। अभियान के तहत महिलाओं तथा बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताने के साथ साथ लोगों को भी अधिकार संरक्षित रखने के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर और माननीय जिला जज महोदय के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो है आगामी 1 जून से 15 जून तक एक जो है 15 दिवसीय हमारा एक जागरूकता अभियान लॉन्च किया जा रहा है, जो कि महिलाओं के अधिकार और बच्चों के अधिकार तथा उनके सुरक्षा के संबंध में किया जाएगा। इस अभियान के दौरान जो है हम जहाँ जहाँ स्कूल खुले हुए हैं स्कूलों में और जहाँ स्कूल नहीं है तो वहाँ पंचायत लेवल पर ग्राम सभाओं लेवल पर न्याय पंचायत लेवल तक और अंतिम छोर तक दूर दराज के लिए हैं वहाँ तक तथा इस दौरान जो है जो हमारे ऑब्जर्वेशन होम है, बालिका निकेतन है, नारी निकेतन है, इनमें भी हम जागरूकता अभियान कैंप करेंगे और इस दौरान जो है इन जागरूकता अभियान के माध्यम से जो है हम पूरे जिले भर में जो है महिलाओं के अधिकार और उनके संरक्षण तथा बच्चों के अधिकार लोगों को जागरूक करें। इसके लिए हमारी पूरी टीम पैरालीगल वॉलेंटियर्स के जो पूरे जिले भर में हमारे जगह जगह नियुक्त हैं उनके माध्यम से तथा स्वयं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इस कार्यक्रम के तहत जो है हमारा जो विशेष फोकस है वो हमारे जो नालसा की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो चाइल्ड एंड फैमिली लीगल सर्विसेज वाली स्कीम है तथा ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली स्कीम है उसके तहत जो है जो भी प्रावधान है उनसे विशेष रूप से हम जो है लोगों को रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ जो कानून है चाहे वो जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे हमारा जो है चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन एक्ट हो, चाहे हमारा जो है पोक्सो एक्ट हो, राइट टू एजुकेशन संबंधी कानून हो, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट हो, PCPNDT एक्ट हो और अन्य जो भी इस तरह के कानून है जो महिलाओं और बच्चों के संबंधी अधिकारों तथा उनके संरक्षण के बारे में उन पर विशेष फोकस हमारा रहेगा इस दौरान। और इसके लिए हमारे द्वारा जो है जिले के जो भी हमारे जो है प्रशासनिक तंत्र हैं विभिन्न विभाग हैं चाहे वो जिला प्रशासन हो, महिला एवं बाल विकास विभाग हो, समाज कल्याण विभाग हो या हमारा CWC हो या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, उन सबसे मिलकर के हम जो है कोऑर्डिनेट करके इस कार्यक्रम को संपादित करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि लोग जागरूक होंगे, महिलाओं के अधिकार है उनके जो समाज में संरक्षण होना चाहिए उसके लिए जागरूक रहेंगे, बच्चों को जो है उन्हें अच्छे से जो है संरक्षित रखा जाएगा समाज में और उनको जो है उन्नति के लिए जो है पूरा पूरा सहयोग समाज से प्रदान करेगा। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।